किम चो मित्रो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई एम डूइंग स्टूपेंड ऑफ एनाबिलिटी, फैंटास्टिकली अमेजिंग। गुड मॉर्निंग हो गई है मुश्किल से, हालांकि मैं उठी हूँ ऐसा बहुत कष्ट लेके कि ऐसा आंख करके मैंने खोली है। दोस्तों मिली मम्मी से, कृष्णा की एक इमेज बन गई है कि कृष्णा लेट उठती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो सबके साथ ही उठ जाती है, मैं खुद ही बोलती रहती है मैं लेट उठती। अरे बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं होता ऐसा सुबह उठने के टाइम कि और 10 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट और 5 मिनट और फिर फाइनली ऐसा उठने को, तब ऐसे आंखें खोलनी पड़ती है हमको। पहले क्या होता था, मैं और भाभी दोनों होते थे तो काम बट जाता था ऐसे, और अभी तो भाभी नहीं है, आई मिस यू ब्रदर, भाभी नहीं है तो फिर अभी मम्मी के हिस्से में काम आ जाता है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो पूरा काम मम्मी को ही करना पड़ता है, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना मम्मी को ऐसा काम करवाते करवाते। क्या मैं बेचारी? हाँ देखो बेचारा ऐसा। मिस यू टू ब्रो, एंड काम के लिए मिस नहीं कर रहे हैं, पर वैसे भी अवनी को अब भी हम मिस कर रहे हैं। अरे घर सूना लग रहा है ऐसा, 3 महीना हो गया अवनी गई। हाँ देखो टाइम ऐसे कितना जल्दी चला गया और ऐसा लगता है कि कब 3 महीने हो गए वैसा। और मेरी दोस्त भी बोल रही थी सारी कि वो ऐसा इधर स्टे करने आती है ना मेरे घर पे, तो बोलती है कि नहीं भाभी के बिना घर एकदम सुना सुना ऐसा। मैं बताती हूँ गुड न्यूज। बताइए। अवनी के भाई की सगाई तय हो गई। तो वो थोड़ा दिन और रुकेगी, सगाई वगैरह जो भी रीत रस्म है वो करके फिर जल्दी वापस आएगी। बहुत लोग पूछ रहे कि अवनी के बिना भी मजा नहीं आ रहा है, तो अवनी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अवनी भाभी उधर एकदम मजे करने वाले हैं अभी, प्रसंग वसंग में फुली एंजॉय। तो ऐसा चल रहा है अभी, हम दोनों हैं सिर्फ घर पे और अभी नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ते में आज पालक पराठा एंड चाय, तो मौज पड़ जाने वाली है ना मम्मी? जोरदार मौज। चलिए कर लेते हैं। फ्रेंड्स नाश्ता हो गया है और मैं इधर से उधर सब कर ही रही थी कि फिर उतने में डैड और बापूजी दोनों आ गए। यहाँ पे है दोनों, देखो है सेड़ी खा रहे है। केम छो बापू जी, मजा मा? सरस डैड कैसे हो आप? वाह वाह एंजॉय। दोनों बाप बेटे ऐसे बैठ के खा रहे और मैं ये थोड़ा सामान है तो वो ऐसा उधर किचन में रख रही हूँ। और किचन में ऐसे जाने के टाइम ये हमारा जो सीढ़ी के नीचे जो है ना वो स्टोर रूम जैसा, तो उसमें ये देखिए ये घोड़ा, वो हम लोग घोड़ा बोलते हैं इसको गुजराती में, तो वो डैड ने अभी फिट कर दिया है, मतलब अभी नहीं सुबह सुबह। तो अभी जो सामान पूरा रेस्टोरेंट का था ना, तो वो धीरे धीरे मम्मी सेट कर रही है सब, वो पहले आपको बताया था तो अच्छे से उसमें खड़क दे गई अभी वो। और यहाँ पे एक घोड़ घोड़ आवाज आ रहा है, तो ये कपड़ा धुल रहा है अभी। कपड़ा धुलाई के साथ साथ यहाँ पे मम्मी हेलो इधर सब्जी का ऐसा तड़का लगा रही है, वघार कर रही है कुकर में। माय फेवरेट सब्जी, आज तो पार्टी होने वाली है, सो अभी बना लेते हैं और फिर खा लेंगे दोस्तों। तो मार्केट में आज नया आया है छूछू। ये छूछू बोलते हैं इसको, ये आके नहीं ना मारो ना, गर्मी बहुत आती थी ना ध्यान जो मेरी हम क्यों छूछू वाले ना, बट सरस लगे छूछू। पहले मैं जब मेरी शादी हुई ना तभी हाँ। मैं ऐसे ही छूछू तभी वो आठड़ा बोलते थे हाँ। इंग्लिश का एट बना के उधर बकल डालते थे, पिन डालते अच्छा। थे, तो वो मैं बनाती थी हाँ। आज सोचा चलो थोड़ा सा पुराना वेरी नाइस। अभी तो फिर भी मम्मी के बाल ऐसे लंबे हुए कि छूछू आए, वरना कभी आते ही नहीं थे। और अभी फिर जल्दी काटने वाली हूँ देख अब। और फिर मुझे बोलेगी कि कृष्णा बाल मेरे बहुत लंबे हो गए। मुझे लंबे बाल पसंद है पर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे फेस पे वो सूट नहीं हो रहे हाँ। मैंने 2-3 बार ट्राई किया पर नहीं हो रहा है, तो फिर अभी मैं छोटा छोटा ही कर देती हूँ। ये इसको संभालना भी इजी, धोना भी स्पेशली गर्मी में तो हाँ अच्छा ही अच्छा है। ये सब्जी बन गई है, नाउ इट्स रोटी टाइम। यहाँ पे आटा भी लग गया है, लेट्स डू इट। ये देखिए सब खड़का जा रहा है इधर ये घोड़े पे, मम्मी सब इसको अभी तो सब ऐसे ही चढ़ा दिया है, फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं
सही करूंगी। अच्छा। क्योंकि इधर मेरे को बैठने की जगह नहीं थी। ओहो। उसको ऐसे चढ़ा दिया है। हाँ। धीरे धीरे अच्छे से संभाल के मस्त हो जाएगा ना, बाद में दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और यहाँ पे गपा गोष्ठी चल रही है कुछ दोनों बाप बेटे की। वो हमारा नेटिव विलेज जो कुछड़ी है ना। हाँ। उधर आज ब्रह्म भोजन यानी ब्रह्मपुरी था। अच्छा। उसका ग्रुप में वीडियो और फोटो आया तो पिताजी को दिखा रहा हूँ। वाह वाह, वेरी गुड, सरस। और मम्मी ने फिर से नहा लिया। कितनी बार दिन में नहाते हो? वो आज बहुत सारा काम किया ना, बहुत तो गर्मी बहुत गर्मी भी हो गई थी। और आज 3:30 बजे मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के घर। वाह, पार्टी पार्टी है कि क्या है? तुलसी पूजा है या अधिक मास चल रहा है ना, तो वहाँ पे जाना है, तो वो रेडी होके मैं बताती। वेरी गुड, ओके चलो अभी मैं निकलती हूँ। ओके बाय। तो पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। आज सब बांधनी साड़ी पहनने वाले हैं, तो मैंने भी ये पहन लिया है। रेडी हो गई हूँ पूरी। ये देखिए, ये सारे फ्रूट्स वगैरह सब पूजा के लिए जो भी चीज चाहिए वो ले लिया है, इसमें भी है। तो ये सब चीजें लेके आज हम पूजा करेंगे उधर। अभी मैं आज तो मुलाकात ही नहीं हुई हमारे में, तो अभी मुलाकात हो रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी है ना, मैं आया हूँ काम से। देखो यहाँ पे ये बना रहे हैं कुछ मुखवा जैसा कुछ सीन कर रहे हैं। और इसमें इसमें क्या डाला है? चना। चना पक रहा है भाई? चना क्यों पक रहा है? छोले पूरी बन रहा है? नहीं नहीं, आज तो भेल पूरी का प्रोग्राम है। आज भी काला चना है। हाँ, है ना? काला चना है। उधर से पूजा से आके फिर मेरी टांगे दर्द कर रही है, तो दबा देता हूँ टांग है। गला वाला दर्द कर रहा है, गला भी दबा देता हूँ। गला दबा दे। एक काम हो जाए, क्या परसों तो महीने में शांति मिल जाएगी, है ना? फिर आपका अच्छा सा फोटो लगाएंगे। फिर मैं उधर जाके बाहर का सेवा करूंगी, पूजा करूंगी। मस्ती कर रहा था दोस्तों। फिलहाल तो सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ मामा को लेने। मामा का कल हॉलीडे है, पिछले हफ्ते तो नहीं था, इस हफ्ते है। तो अभी मैं निकलूँगा मामा को लेने के लिए, फिर वहाँ पहुँचूँगा, उनको लेके आऊँगा। तब तक शायद बहन भी वापस काम से आ ही जाएगी। तब तक मेहमान भी आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं बापू जी को मिलने के लिए, बा के भाई और भाभी, भतीजा भतीजा वो सब आ रहे हैं। संजय मामा नहीं आ रहे? चलो तो खुशी की बात, बहुत सारे लोग हैं, तो आज इवेंट में बहुत सारे लोग हैं। तो फिर अभी मैं निकलता हूँ दोस्तों। जिस खुशी के माहौल की मैं बात कर रहा था वो फाइनली आ गया, पूरा घर भर गया। मामा भी आ गए और दूसरे मामा भी आ गए और फिर मामी भी आ गए और फिर भाई भी आ गए। एक्चुअली वो मेरे काका है, लेकिन वो मेरे और काकी भी आ गए साथ में। इंट्रोड्यूस तो करवा सबको। ये हमारे प्यारे मामा, ये डैडी, ये बापूजी, ये हमारे काका होते हैं, ये हमारे मामा, डैडी के मामा होते हैं, ये हमारी नई काकी, ये मामी है, मम्मी, अरे और फिर से भाई। मुझे तो आप सब लोग जानते हो, तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत इनको खिलाने का मन था, लेकिन ये कुछ अग्यारस रहे हैं तो मान नहीं रहे और जाने की बात कर रहे हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे इनको रोकने की, तो फिर वो भेल का प्रोग्राम है तो आ जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ममरा है और यहाँ ये चटनी है, ये है, ये है, ये है और वो है। मेरे को एक्चुअली बहुत भूख लगी, के लिए जो सामान चाहिए ना वो सब है। और ये आलू यहाँ छिल रहे बेचारे मामा, छिल रहे आलू। नहीं, वो थोड़े से एक ही रह गए थे, बाकी सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, पर मेहमान आ गए ना,
तो ये आलू बेचारे देखो छिल रहे, मम्मी कुछ काम नहीं करती है। बेचारा नहीं है, इतनी बड़ी बहन, इतने जीजा जी, अरे वो काम कर रहे हैं वो, मैं वो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब सबका ऐसे हाथ है। हाँ थैंक्स बाबा। और तू क्या कर रही है? आलू सुधार रही हूँ मैं। तो आइए दोस्तों बेल खाते हैं। वाह दोस्तों, तो आज वैसे ऐसे ही नॉर्मल डे था हमारा, तो मेहमान भी आए थे, मामा भी हमारे साथ है, तो बहुत खुशी की बात है। दो तीन दिन तक वो और है, तो छुट्टी वाला माहौल है। और हाँ 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 बहन भी। तो दोस्तों फिर अब सो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। तुम्हें चूम लेने आई माता ने चूम लेने जासो मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।